हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्याज और टमाटर की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी की रेसिपी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है यहाँ पर मैंने कम से कम चार से पाँच मीडियम साइज़ के प्याज को काटा है अब आप जब प्याज को काटें तो उसमें ये ऊपर जो रूट वाला पार्ट होता है इसको हटा दें ताकि प्याज की जो लेयर्स हैं वो अलग अलग हो सके जब हम सब्जी बनाएं क्योंकि हम प्याज और टमाटर की सब्जी बना रहे हैं इसलिए इसमें प्याज थोड़े ज्यादा डलेंगे आप चाहें तो इससे थोड़े कम प्याज भी ले सकते हैं इनको हम साइड में रख देते हैं अब मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं तो इनको भी मैंने मोटा मोटा इस तरह से काट लिया है तीन बड़े साइज के टमाटरों को मैंने काटा है और इसके अंदर का जो पार्ट है वो मैंने हटा दिया है देखिए ये रहा इसका बीज वाला पार्ट इसको हम कोई और सब्जी में यूज कर लेंगे अब गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम दो बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे तो मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ आप चाहें तो इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हैं पर यह सब्जी रिफाइंड ऑयल में ज़्यादा अच्छी बनती है इस तेल को हम एकदम अच्छे से गर्म होने देंगे तो तेल हमारा एकदम अच्छा गर्म हो चुका है अब इसमें हमारे काटे हुए प्याज डाल देंगे और गैस की फ्लेम आपको यहाँ पर बिल्कुल हाई रखनी है अब इनको हम लगातार चलाते हुए कम से कम दो से तीन मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल भी लो नहीं करनी है वरना ये सॉफ्ट पड़ जाएंगे हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करने से इनमें क्रंच बना रहेगा तो ये देखिए हाई फ्लेम पर प्याज़ को हमने दो से तीन मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कि प्याज की सारी लेयर्स एकदम अलग अलग हो गई है अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे काटे हुए टमाटर इनको ऐड करके हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे अब यहाँ पर भी आपको गैस की फ्लेम हाई रखनी है अगर आप गैस की फ्लेम थोड़ी सी भी लो कर देंगे तो इनके छिलके हैं वो ऊपर से उतर जाएंगे इसलिए हाई फ्लेम पर इनको हम दो मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे तो दो मिनट के लिए हमने इनको फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कि टमाटर के ऊपर का छिलका अलग नहीं हुआ है अब हम इनको निकाल लेंगे तो आप इसको पलटे से निकालिएगा ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारी कढ़ाई में रह जाए तो यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर निकाल लिए हैं और थोड़े से प्याज और टमाटर मैंने यहाँ पर बचाए हैं इनको हम ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे तो इनको हम इस तरह से साइड में कर देते हैं और अब हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून के करीब जीरा साथ ही हम इसमें लहसुन की कलियाँ डालेंगे तो मैं यहाँ पर पाँच से छः लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ साबुत और साथ ही एक इंच अदरक का टुकड़ा डाला है जिसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ तो मैंने यहाँ पर एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है साथ ही चार से पाँच काली मिर्च डाली है तीन से चार लौंग डाले हैं और एक हरी वाली इलायची डाली है अगर आपके पास एक बड़ी वाली इलायची हो तो वो डाल दिएगा इनको कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे और साथ ही मैंने यहाँ पर तेज पत्ता भी लिया है जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है इसको डालकर भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे इस तरह से आप ये सब्ज़ी बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी अब इनको हम एक से दो मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे दो मिनट इनको फ्राई करने के बाद अब हम इनको निकाल लेंगे तो ये देखिए इनको मैंने निकाल लिया है अब हम इनको ठंडा होने देंगे मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं तो मैंने इनको एक ग्राइंडिंग जार में डाल लिया है और अब इनको हम पीस कर एक पेस्ट बना लेंगे तो ये देखिए सारे मसालों को हमने एकदम अच्छे से पीस कर पेस्ट बना लिया है अब इसको हम साइड में रख देते हैं अब उसी कढ़ाई में हम एक बड़ा चम्मच तेल और डालेंगे और इस तेल को एकदम अच्छे से गर्म होने देंगे तो तेल हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून हींग और साथ ही हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे तो इसको मैं इस तरह से हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ गैस की फ्लेम आपको यहाँ पर लो रखनी है वरना ये सब जल सकते हैं अब इसमें जो हमने मसाला पीसा था वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब आपको यहाँ पर गैस की फ्लेम लो टू मीडियम पर रखनी है और इसको लगातार चलाते हुए एक से दो मिनट के लिए हम भुनेंगे दो मिनट के लिए हमने इनको भून लिया है अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ धनिया पाउडर एक टी साथ ही इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे हम इसमें एक टी स्पून और साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा मैं यहाँ पर एक टी स्पून नमक डाल रही हूँ अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस की फ्लेम आपको यहाँ पर हाई बिल्कुल भी नहीं करनी है वरना ये मसाले जल जाएंगे तो अब हम इन मसालों को ढककर पकाएंगे तो इनको हम ढक देते हैं और कम से कम दो से तीन मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इनको ढककर पकाएंगे तो दो मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारा मसाला काफ़ी सूख चुका है तो इसको एकदम अच्छे से हम वापस से मिक्स कर लेंगे और अब स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही तो मैं यहाँ पर चार से पाँच चम्मच दही ऐड कर रही हूँ अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो आप वो डालिएगा और ये दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं है खट्टे दही का आपको इसमें यूज़ नहीं करना है इसको डालकर हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इससे हमारी सब्ज़ी में एकदम क्रीमी टेक्स्चर आएगा तो इसको लगातार चलाते हुए हम दो मिनट के लिए पका लेंगे इसको आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है वरना दही फट जाएगा तो दो मिनट हमने इनको लगातार चलाते हुए पका लिया है अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काला नमक तो एकदम थोड़ा सा काला नमक हम ऐड करेंगे सिर्फ फ्लेवर के लिए इससे सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो इसको डालकर हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं पसंद अब मैं इसमें आधा कप के करीब पानी डाल रही हूँ ग्रेवी के लिए अगर आपको इससे ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं इसको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसमें एक बॉयल आने देंगे तो हमारी सब्जी में अच्छे से उबाल आ चुकी है तो इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और ये जो फ्राई किए हुए हमारे प्याज और टमाटर है ये इसमें ऐड कर देंगे साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च तो मैंने यहाँ पर दो से तीन हरी मिर्च को बीच में से काट कर इस तरह से डाला है और साथ ही मैं यहाँ पर गरम मसाला भी डाल रही हूँ एक टीस्पून अब इन सभी चीज़ों को हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हरी मिर्च अगर आप इस स्टेज पर डालेंगे तो ये सब्जी में बहुत टेस्टी लगती है इनको एकदम अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इनको ढक कर पकाएंगे तो इसको हम ढक देते हैं और कम से कम तीन से चार मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे तो तीन से चार मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारी सब्जी में से ऑयल रिलीज हो चुका है अब स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे देसी घी तो मैं यहाँ पर एक टीस्पून देसी घी डाल रही हूँ इसको डालने से हमारी सब्जी का स्वाद डबल ट्रिपल बढ़ जाएगा अब इसको हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें से बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है तो इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी प्याज़ और टमाटर की सब्ज़ी बनकर तैयार है इसको आप गर्मा गर्म रोटी के साथ पराठे के साथ सर्व करें ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें